नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा आठवीं में पाठ संख्या 17 बाज और सांप के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पाठ है पाठ संख्या 17 जिसका नाम है बाज और सांप, जिसके लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। जिसके लेखक का क्या नाम है? निर्मल वर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पाठ के बारे में जानेंगे। देखा पाठ के नाम से ही बाज और सांप, इसमें एक बाज है और एक सांप है जो दोनों आपस में बातें करते हैं। दोनों की एक कहानी है। सबसे पहले इसके शब्दार्थ के बारे में देखेंगे। लथपथ यानी कि सना हुआ, सीलन नमी, करुण दुख से भरा, वियोग विरह या फिर अलगाव अलग हो जाना, हर्ज नुकसान, सिर धुनना पछताना, विस्तार फैलाव। किस कहते हैं इसका विस्तार कितना, इसका फैलाव कितना है? खोखल खाली जगह, शून्यता खालीपन, श्रद्धा आदर भाव और असीम जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका कोई अंत, जिसकी कोई आखिरी मतलब लाइन ना हो। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ। आप जानते हैं हम इस पाठ के सारांश के बारे में। इसमें समुद्र के किनारे का दृश्य है जहां पर समुद्र की लहरें ऊंचाइयां ले रही है और समुद्र के किनारे पर एक छोटी सी पहाड़ी है। उस पहाड़ी के अंदर सुनसान जगह है जहां उस पहाड़ी के अंदर एक खोखल खाली जगह पर एक सांप रहता है। वो सांप बिल्कुल बूढ़ा है, असहाय है और वो अकेला उस स्थान पर रहता है। वो सोचता रहता है कि देखो मुझे पानी मिल जाता है, एकांत जगह मिल जाती है ना। आप अपने मन में विचार करता रहता है और मुझे इस दुनिया की भागदौड़ से कोई कुछ लेना देना नहीं है, मैं यहाँ एकांत में शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे दुनिया की भागदौड़ से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे पानी भी मिल रहा है, यहाँ पर धूप भी मिल रही है सूरज की, मुझे अच्छे से धूप मिल रही है और रहने के लिए अच्छा स्थान भी मिल गया। वो इतना सोचता रहता है कि अचानक से एक बाज आकर उसकी गुफा के बाहर गिर जाता है। पहले तो वो डर जाता है क्योंकि बच्चों बाज और सांप दोनों के आपस में गहरी दुश्मनी होती है, लेकिन सांप जब अच्छे से देखता है तो देखता है कि बाज है जो आकर गिरा है अचानक से, वो मतलब घायल अवस्था में, तो वो सोचता है कि अभी ये घायल है तो ये अभी मुझे नहीं खाएगा, क्योंकि बाज और सांप की गहरी दुश्मनी मानी जाती है। तो वो खुश हो जाता है कि चलो अब ये मुझे परेशान नहीं करेगा। और वो जैसे ही आकर गिरता है तो वो दर्द के मारे जो बाज है वो कराने लगता है, आ वो एक दर्द भरी चीख निकालता है। तो सांप बाहर निकल देखता है और कहता है कि लगता है तुम्हारा आखिरी समय आ गया है। ऐसा सुनने के बाद में बाज कहता है कि हाँ अब तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मेरा आखिरी समय अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ऐसा कहकर के वो कहता है कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अपने जीवन को अच्छे से सुख से भोगा है, मैंने अपने पूरे जीवन को आजादी से व्यतीत किया है। ऐसा सुन करके वो कहते हैं मुझे अपने जीवन से कोई मतलब शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन को जितना भी, जब तक मेरे पास में स्वतंत्रता थी, शक्ति थी, मेरे अंदर ताकत थी, तो मैंने अपने जीवन में हर इच्छाओं को पूरा किया है। तो उसके बाद में कहता है कि बस मेरी तो एक आखिरी इच्छा और है। तो सांप पूछता है कि आपकी आखिरी इच्छा कौन सी है? तो बच्चों यहाँ पर बाज कहता है कि मैं आखिर में एक बार फिर से आकाश की असीम ऊंचाइयों, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उनको फिर से एक बार उड़ना चाहता हूँ। तो सांप कहता है कि आप इतने हमेशा पूरी जिंदगी आकाश में उड़ते रहे, फिर आपको आकाश में ऐसा क्या मिलता है जो आप फिर से अंत समय में भी, जब आप इतने दर्द से परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो और फिर भी आप मतलब आकाश में फिर से उड़ना चाह रहे हो, तो ऐसा आकाश में क्या है? आकाश तो खाली नजर आता है,
तब बाज उत्तर देता है कि आपको नहीं पता, आप तो धरती में रेंगते रहते हो, एक जगह ही घूमते रहते हो, हम आकाश में उड़ते हैं, हमें आजादी प्यारी है, हमें बंधन प्यारा नहीं है। हम जब तक पंछी हैं, हम उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हमें आजादी प्यारी है। जब तक हमारे पास में शरीर में, हमारे शरीर में ताकत है, शक्ति है, तब तक हम उड़ना चाहते हैं, हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, हम जीवन के उन्नति शिखर पर पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा सुनकर के और साहब कहता है, तो फिर आप दोबारा से प्रयत्न क्यों नहीं कर लेते, आइए इन ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाइए और इनसे फिर से एक बार छलांग लगा के देखिए। तो इतनी बात सुनकर के बाज के अंदर फिर से उमंग और उत्साह और एक नया जोश उत्पन्न हो जाता है, और उस जोश के कारण वो फिर से अपने दर्द भरे शरीर को उठाता है और पहाड़ी पर लेके जाता है, और पहाड़ी से फिर जोर से ऊपर की तरफ एक लंबी उड़ान भरता है। लेकिन उसका शरीर बुरी तरह से घायल होने के कारण वो वहीं से गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सांप ने देखा कि बाज ने आखिरी सांस में भी मतलब आकाश को छूने की इच्छा रखी, तभी उसने कहा कि ऐसा आकाश में क्या है, मैं भी बाहर निकल कर देखता हूँ। और वो रेंगता हुआ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि आकाश में उसके लिए न चलने के लिए कोई साधन है, न धरती है, तो वो आकाश में कैसे उड़े, क्योंकि सांप तो आपको पता है बच्चों कैसा होता है, सांप उड़ नहीं सकता, वो रेंग कर चलने वाला जीव है। तो इसलिए वह क्या करता है कि वापस वहां से आ जाता है, कहता है कि नहीं, मैं जहां पर हूँ वहीं पर ठीक हूँ, मैं खुद को यहीं पर ही सुरक्षित महसूस करता हूँ, मुझे क्या लेना देना बाहर की दुनिया से। वो तो पागल बाज था जिसने मतलब अंत समय में भी अपने प्राणों की आहुति दे दी, और मेरे लिए तो आकाश में उड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई दीवार नहीं है चढ़ने के लिए, तो फिर मैं कैसे आकाश में उड़ सकता हूँ, मैं तो यहीं पे ठीक हुआ था। तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति वहीं से कर लेता है, वो अन्य जगह पर नहीं जाता, उड़ता भी नहीं है। अंत में वो बाहर निकल कर देखता है, फिर से गुफा से बाहर आता है और पूछता है कि ऐसा क्या था आकाश के अंदर कि जो मतलब जिसके लिए बाज ने अपने प्राण की आहुति दे दी है। ठीक है, उसने देखा कि थोड़ी देर में जो समुद्र की लहरें हैं वो बाज के शरीर को अपने साथ बहा ले गई है, प्रवाहित कर ले गई है। ठीक है, और जो समुद्र की लहरें थी वो एक रहस्यमय सुंदर गीत गाए जा रही थी, और वो गीत था, हे आजादी को प्यारे, हे आजादी के चाहने वाले, आपको सत सत नमन है कि आपने अंत समय में भी अपनी आजादी को बरकरार रखा, आपको आजादी इतनी प्रिय थी कि आपने दुख भरे शरीर को फिर से अपने असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मृत्यु के आगोश में बिछा दिया। आगोश होता है बेटा, आगोश में आना मतलब बाहों में आना। तो इस तरीके से वो जो समुद्र की रहस्यमय लहरें थी वो एक सुंदर वीर गाना गा रही थी, शौर्य से भरा हुआ था, जो बाज के लिए था, क्योंकि बाज ने अंत समय तक अपनी आजादी को नहीं छोड़ा था। और ऐसा सोच करके सांप ने कहा कि धन्य है बाज जिन्होंने अपने आजादी को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर दोनों ही मतलब एक दोनों दोस्तों की कहानी थी, बाज और सांप की। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें भी आजादी प्यारी होनी चाहिए। जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, ताकत है, हमें भरपूर उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अपने शक्ति का दुरुपयोग करना चाहिए, नहीं, हमें अपने शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित जो भी कार्यपत्र का प्रक्षेपण पत्र है आपको जल्दी ही मिल जाएगा, तब तक आप अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।